हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी, डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसको खाने के बाद आप सारे नाश्ता भूल जाओगे। ये एज अ स्टार्टर भी आप यूज़ कर सकते हो और किसी भी तरह नॉर्मल छोटी सी भूख लगी हो तो उसके लिए भी आप बनाकर हेल्दी फूड खा सकते हो। तो उसको बनाने के लिए देखिए, मैंने एक एप्पल लिया है और सेकेंड जो इन्ग्रीडियंट्स ले रही हूँ वो है कुकुम्बर, मीन्स टू खीरा। ये देखिए, दोनों चीज़ें ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और इसका ये चटपटा नाश्ता बनाऊंगी, नहीं तो आप सोचेंगे कि कहीं मैं चाट तो नहीं बना रही। चाट नहीं मैं बना रही हूँ, फ्रूट चाट नहीं बना रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको यह कैसा लगा। और उसके बाद मैंने ये देखिए प्याज लिया है, एक वन ऑनियन। आप ये क्वांटिटी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप कितना बना रहे हो, कितने व्यक्तियों के लिए बना रहे हो, ये आपने देखना है। और ये प्याज है, ये इसको मैंने भी पील ऑफ कर देना है और चॉप कर लेना है बारीक। और इसी तरह से हमने टमाटर ये एक लिया है, उसको भी हमने बारीक काट देना है। और ये देखिए, अब इसके बाद हम जो इसका इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो है नमकीन, वो है शाही मिक्सर। मैं बेल नहीं बना रही हूँ, पहले ये भी बता रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। ये देखिए, मैंने ये है जो है शाही मिक्सचर लिया है। और आप, ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही जैसे मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा तो मैंने ये ली है, तो ये बहुत ही टेस्टी होती है तो मैंने इसको लिया था। तो ये मैंने, मतलब हमें सस्ते रेट में मिल जाती है, जैसे 25 रुपीस में बहुत अच्छी जो फ्लेवर है इसका। तो हमने ये जो हमारे सेब थे वो मैंने इस तरह से कट कर लिया है एप्पल को, आप चाहे तो इसे ब्रिक भी काट सकते हैं, बस इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ये बस इतना ही बहुत है, इससे कम चाहे कर लो लेकिन ज़्यादा इससे मोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैंने ये एप्पल है वो मैंने पील ऑफ करके अच्छी तरह से ये कट कर लिया था। और फिर अब हम लेंगे एक बाउल जिसमें हम बनाएंगे, पहले थोड़ा बैटर तैयार करेंगे, मीन्स टू से हमारा ये जो इंग्रेडिएंट है अब उसमें ये डालने शुरू करेंगे। ये मैंने नमकीन ली है क्योंकि मैं थोड़ा बना रही हूँ तो थोड़ा लिया है सामान, ज़्यादा बना रही तो ज़्यादा। अब इसमें हम एप्पल डाल देंगे, ये देखिए चॉप किए हुए। फिर इसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए हमारे अनियन, इसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हम डालते जाएंगे, ये देखिए ज़्यादा नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े बस। उसके बाद हमें क्या करना है, चॉप की ही हुई हमारे टमाटर डालेंगे, ये देखिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं डालती जाऊँगी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और फिर इसके बाद मैं जो डालूँगी, इसमें मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करूँ क्योंकि नमकीन हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हमें कुछ भी डालने की इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें डाल रही हूँ मैं फ्रेश टमाटो केचप, इसे भी मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, इसमें भी ये मैं फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है इसलिए डालूँ। चाहे तो आप इमली की चटनी या इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमारा क्या डाल सकते हैं, लेमन जूस डाल सकते हैं, एक लेमन भी डाल सकते हैं। लेकिन सॉस इसमें ज़्यादा मुझे फ्लेवर अच्छा लग रहा था, किसी के आगे भी आप रखोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस तरह से बना के इसको डालकर इससे मिक्स करेंगे। आप अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हो, कोई डाइट पर है पर्सन तो उसको चटपटा खिलाना चाहते हो, तो आप इस सॉस की बजाय आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो सॉस है सारे का ही हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से हमने मिक्स करना है। और फिर हमने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, सर्विंग जो हमारी प्लेट है, अब उस पर हमने रखने हैं हमारे कुकुम्बर, मीन्स टू खीरा, इस तरह से गोल कट करते हुए, गोल कट किए हुए ना, तो जैसे हम सर्व करना चाहते हैं वैसे ही हम उसको प्लेट में रख देंगे। चाहे तो अभी आप सर्विंग प्लेट में ना भी रखें, अलग से भी रख सकते हैं, अभी बाद में सर्विंग प्लेट में रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ तो सीधा चलो। अब ये देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा बैटर तैयार किया हुआ है अब हम उसको इससे गार्निश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे स्पून की सहायता से। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, जो डाइट पर रहते हैं कभी कभी चटपटा खाने का मन करता है, या नॉर्मल भी हमें भूख लगी तो हम होता है कि बच्चे चटपटा खाने को कहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको कुछ हेल्दी खिलाया जाए, तो उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है जिससे वो भूख भी मिटाती है और हमारा जो टेस्ट भी बढ़ाती है। इसको हमने 1 स्पून करके इसके ऊपर रखते जाना है और फिर हम इसको अब सेट कर देंगे। इसके ऊपर रखा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा जो कम, जहाँ पे कम रखा हुआ है थोड़ा और ज़्यादा डल रख देंगे, जैसे कि जिस पे हमने, जैसे जो है हमारी, इस तरह से हमने सेटिंग कर देनी है। अब इसका हम टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी और यम्मी लग रही है ना हमारी रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इसको ज़रूर 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 ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
और ये देखिए ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये देखिए बहुत 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 ज़्यादा यम्मी बनी थी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ना भूलिए कैसी है। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात ये चटपटी है, जो कि मुँह का टेस्ट एकदम से बढ़ा देती है। अब मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, अब और भी खाने को हो रहा है, तो चलिए अब मैं खाती हूँ और आप मुझे कमेंट करें।